यहाँ पे जो है अब चेकिंग फॉर अपडेट नहीं लिखा है और यहाँ पे जो है कुछ और ही लिखा हुआ है, वी कुड नॉट कम्प्लीट द इंस्टॉल बिकॉज एन अपडेट सर्विस वॉज शटिंग डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शट डाउन हो चुका है और यहाँ पे कोई भी अपडेट मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू स्टॉप विंडोज 10 अपडेट, यानी विंडोज 10 अपडेट परमानेंटली बंद कैसे करें। तो अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने विंडोज के अपडेट को बंद कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है मैं आपको चेक करा देता हूं कि मेरे विंडोज पे जो है अपडेट इनेबल है या फिर डिसेबल। अब चेक कैसे करोगे, तो सिंपली से विंडोज पे क्लिक करो एंड यहां पे जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करो और अब जो है आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपडेट एंड सिक्योरिटी का, इसके अंदर आ जाओ और देख सकते हो कि यहां पे आपको दिख रहा है चेकिंग फॉर अपडेट। इट मींस जो है यहां पे ये इनेबल है और अपडेट्स जो है यहां पे ये फाइंड आउट कर रहा है, राइट। चलो अब हम इसको जो है डिसेबल करने वाले हैं। तो कैसे करोगे, तो सिंपली से डेस्कटॉप पे आ जाओ और यहां पे सर्च करो सर्विसेज। अब जो यहां पे सर्विसेज का ऑप्शन जो दिख रहा है सिंपली से इस पे क्लिक कर दो और यहां पे आपके सामने बहुत सारा जो है ऑप्शन आ गया होगा, जिसमें से आप सबसे लास्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज अपडेट का, है ना। तो इसके जस्ट बगल में स्टेटस में देखो लिखा है रनिंग, इट मींस ये जो है अभी आपके कंप्यूटर पे जो है रनिंग पीरियड में है, यानी कि ये जो है अभी इनेबल है। तो सिंपली से इस पे डबल क्लिक करो और यहां पे आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप विंडो आ गया है जहां पे रनिंग लिखा है, उसके जस्ट नीचे यहां पे स्टॉप लिखा है, तो आपको सिंपली से इसको जो है स्टॉप कर देना है ना। चलो ऊपर में देखो लिखा है स्टार्टअप टाइप, तो यहां पे आपको सेलेक्ट करना है डिसेबल, है ना। उसके बाद आप यहां पे अप्लाई कर दो, उसके बाद यहां पे आप ओके कर दो, डन। हमारा जो है यहां पे काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं कि मेरे जो है विंडोज पे अपडेट जो है अभी इनेबल है या फिर डिसेबल है। सेम प्रोसेस, विंडोज पे आ जाओ, सेटिंग्स पे आ जाओ एंड यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आ जाओ और देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अब चेकिंग फॉर अपडेट नहीं लिखा है और यहाँ पे जो है कुछ और ही लिखा हुआ है, वी कुड नॉट कंप्लीट द इंस्टॉल बिकॉज एन अपडेट सर्विस वॉज शटिंग डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शट डाउन हो चुका है और यहाँ पे कोई भी अपडेट मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। तो इसी मेथड को फॉलो करके आप भी जो है अपने विंडोज अपडेट को जो है परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और हां, यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।